इन छोटे छोटे पंखों पर लोगों की तस्वीर कशी करना और उन्हें दीदा जेब बनाने का काम जामिया मिलिया इस्लामिया की तालिबा मुस्कान भारतीय बैनुल अक़वामी तिजारती मेले में हुनर हाट के स्टॉल से कर रही हैं। मुस्कान अपनी उम्र से ज़्यादा जहीन नज़र आती हैं। उनके लिए किसी भी शख्स की तस्वीर पंख के ऊपर उकेरने में महज 2 घंटे की मुद्दत ही दरकार है। 2 घंटे मैक्सिमम लगते हैं एक पिकॉक फैदर पर इंसान का पोर्ट्रेट बनाने में। पिकॉक के ऊपर पेंटिंग बनाते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, और उन सभी में से सबसे स्पेशल ये है जिसमें हमने 28 फ्रीडम फाइटर्स बनाए हैं। आपको सबकी क्वालिटी दिख जाएगी और पर्सनैलिटी मैचिंग है सभी की। यूनिक एंड क्रिएटिव ये है कि हम बॉटल्स पर बनाते हैं, बॉटल्स के अंदर हम यहाँ पर नेम लिख कर देते हैं और इसके अंदर पोर्ट्रेट्स भी बनाते हैं जो सबसे ज़्यादा यूनिक है। वो न सिर्फ पंख के ऊपर तस्वीर बनाती हैं बल्कि पत्थर पर भी नहायत खूबसूरती से फन मुसव्वरी का मुजाहरा करती हैं। उसके साथ साथ स्केचिंग और दीगर अशिया के इस्तेमाल से भी चीज़ें बनाने में उन्हें महारत हासिल है। हुनर हाट में हमने अपने पेंटिंग्स स्टॉल लगाया है पेंटिंग्स का, जिसमें हमने स्केचिंग की है और कैनवस पेंटिंग्स है, फैदर पेंटिंग है, जिसमें मेरे साथ मेरी फ्रेंड मुस्कान है। डिजिटल पोर्ट्रेट बनने स्टार्ट हो गए हैं, पेंटिंग्स बननी स्टार्ट हो गई हैं, तो हाथ का काम थोड़ा रह गया है पीछे, तो इसलिए हमें अच्छा मौका मिला है हुनर हाट में। सर, इसमें बनाने में मुझे 4 से 5 दिन लगे हैं। ये मेरे मदर एंड फादर हैं जो इसमें मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया हुआ है। ईटीवी भारत के नुमाइंदे से बात करते हुए मुस्कान ने बताया कि उन्हें छोटी छोटी तस्वीर बनाना पसंद है, इसलिए हुनर हाट में वो शीशे की बोतल के अंदर लोगों के नाम लिख कर उनकी तस्वीर बनाकर अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं।